एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। समझो ध्यान से, यहां पे हम टावर कर लेते हैं और यहां पे बिल्डिंग कर लेते हैं। किसका क्या हाइट है हमको अभी नहीं पता, हालांकि कंडीशन में दे रखा आई थिंक इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट दे रखा है ये 50 मीटर दे रखा है, क्लियर। और ये आपका बिल्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस रखना। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, तो ये रहा टावर का फुट, कहां पर, बिल्डिंग के टॉप पर, ये इसको रैंक पे मिलाते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना 30 डिग्री। बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के फुट से कहां पे जाना है, टॉप ऑफ द टावर पर, ये रहा टावर का टॉप, ये रहा बिल्डिंग का फुट, अगर इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। टावर 50 मीटर हाई, टावर की हाइट है 50 मीटर, तो आपसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स ये पूछ, क्लियर, ध्यान से समझो। अब हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस इज योर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये हाइट कितना है 50 मीटर। क्या इनके मदद से, इनके मदद से ये निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्म लगाएं, 10, क्या लगाएंगे 10, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 मीटर और बेस 20, 10 60 का फॉर्मूला हो जाता है, वैल्यू हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में 20, बीसी को इधर ले आते हैं, √3 को नीचे ले आते हैं, तो ये जगह बीसी इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3, इसको एज इट इज छोड़ दो, दिस इज 50 अपॉन में √3, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमारा आ गया 50 अपॉन में, अब हम इस ट्रायंगल पे काम करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, फिर से डायग्राम बनाते हैं, दिस इज योर बी, दिस इज सी एंड दिस इज, हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला है कितना है 50 अपॉन में √3, और ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, फिर से क्या लगाया फॉर्मूला 10 का, तो क्या लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब डीसी, क्लियर, और बेस 50 अपॉन में √3, 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू डीसी अपॉन में 50 अपॉन में √3, ये पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा डीसी इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 50 अपॉन में √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, दिस विल बी 50 अपॉन में 3, कट करेंगे कितना आ जाएगा आई थिंक 16.6 मीटर इज द आंसर, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, क्या मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में,